Is तो गाइस वेलकम टू दिस व्लॉग एंड इसमें आवाज़ थोड़ी धीरे आएगी बिकॉज शोमी तो उस रूम में सो रही है एंड टुमारो इज़ अ बर्थडे, आई मीन टू से टुडे इज़ अ बर्थडे, क्योंकि 12 बज चुके हैं, करीब 2 बजे अभी, क्योंकि अभी कोविड का सीन चल रहा है, सो आई कुड नॉट गेट हर अ गिफ्ट, सो आई थॉट कि वाई नॉट कुक हर केक। सो एक बहुत ही ईजी रेसिपी मुझे मम्मी जी ने बताया था, दैट मीन्स मेरी सासू माँ ने बताया था, सो आई विल बी डूइंग दैट टुडे। सो आई डोंट नो कि ठीक होगा कि नहीं होगा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो मैंने सारी रेसिपीज इसमें लिख ली हैं, लेट्स होप कि हम फाइनली बना पाए इसे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए है वो है मैदा, एंड मुझे ढूंढना है कि मैदा किधर रखा है। वेट 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 वेट, और क्या चाहिए? सबसे पहले एक काम करते हैं कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए पहले ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं जाना कहाँ पे है क्या नहीं रखा है। सो ढूंढना शुरू करते हैं। अभी हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, किधर है? 2 अंडे, तो 2 अंडे लेके आते हैं। शुगर 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 कहाँ रखा है? ये चीनी रखा है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद वो बूरा वाला चीनी चाहिए। 1 सेकेंड, मिल गया मिल गया मिल गया, ये चीनी है। हमें चाहिए रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा यहाँ रखा हुआ है। देन एक यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है वनीला एसेंस, मुझे घंटा नहीं पता वनीला एसेंस क्या होता है। सो इसमें लिखा हुआ है कि हम वनीला एसेंस ऑप्शनल है, यूज़ भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते। एंड देन हमें चाहिए इसके बाद दूध, अगर आपके पास कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं तो वो भी डाल सकते हो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं अभी। तो सबसे पहले हमें मैदा इस छन्नी में से पास कर देना है। तो ना देन इस मैदे में हमें वन टीस्पून बेकिंग पाउडर डालना है, तो थोड़ा मिला देना है। आपको अंडा अच्छे से फोड़ना आता होगा तो आप अच्छे से फोड़ लेना। ओह ब्रो, जो नए हैं उनको बोल दूं कि ये इसका कुछ भी पार्ट इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। सो इसके बाद हमें चीनी का पाउडर ऐड करना है, लेकिन पाउडर ऐड करने से पहले इसको ऐसे घुमा लेना है, मतलब मिक्स कर लेना। अब इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसी कप में, जिस कप में मैंने मैदा लिया था, इसी कप में हाफ कप में चीनी ले रहा हूँ, सॉरी, इसी में से डाल देता हूँ ना, क्या यार थोड़ा दिमाग लगा हुआ था। इसको मिक्स करते हुए ना थोड़ा इसको स्मूथ कर लेना। हाफ कप रिफाइंड ऑयल हमें इसके अंदर डाल देना। तो अब हमें इसमें तेल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक चीज ध्यान रहे कि जो मैंने वेनिला एसेंस के बारे में बोला था ना रेसिपी में लिखा हुआ है कि वो इसके बाद डालना है। तो ये मिक्स होने के बाद अब इसमें धीरे धीरे मैदा डालना है, सारा मैदा एक साथ मत डाल देना। ओ भाई साहब, इसमें तो बहुत काम है, लिखने में तो इजी लग रहा था। स्टर कर रहा हूँ एंड ये काफी ज्यादा थिक हो चुका है, ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि भी रेसिपी में लिखा हुआ है कि थोड़ा थिक हो जाएगा,
तो इसको इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए इसमें 3 चम्मच दूध डालना है, एक दो तीन। चलो भाई जोर बना के है इच्छा। मेरे को लग रहा है कि ये इतना हार्ड नहीं होना चाहिए। इसमें 2-3 चम्मच और डाल देता हूँ दूध। अच्छा हाँ, इसको इसको स्टर करते हुए एक चीज़ ध्यान रखना कि इसको ना एक ही तरफ स्टर करना है, ऐसा उल्टा घुमाने मत लग जाना। हाँ, अगर क्लॉकवाइज अगर तो क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर तो एंटी क्लॉकवाइज। मैं अंदाज़ा लगाने के लिए बोल रहा हूँ जो मेरे को लग रहा है कि अगर आपको ऐसे घुमाने में बहुत जोर लगाना पड़ रहा है ना तो मतलब गलत है। तो इसकी अब कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। पता नहीं अब ठीक ही लग रहा है मेरे को, तो थोड़ा और घुमा लेते हैं। ये प्रोसेस आपको कम से कम 10 मिनट तक तो करना ही पड़ेगा। टाइमर लगा लेना, उससे कम मत करना। बैटर रेडी होने के बाद अब इसमें हमें उस बैटर को डालना है। तो डालने से पहले थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालना है। तो अब पूरा ऐसे करके नीचे थोड़ा लगा देना। देन इसके साइड में भी थोड़ा थोड़ा सा लगा देना। तो ऐसे तो मेरे को लग रहा है कि इसमें थोड़ा इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको पूरा डाल देते हैं। इतना डाल दिया, अब इसको सारी जगह फैला लेते हैं। तो क्योंकि इसमें तेल लगा हुआ है तो वो ऑलरेडी अपने हिसाब से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। अब मेरे को लग रहा है कि इसमें ना ये थोड़ा सा मैदा एक्स्ट्रा बच गया है, तो इसको मैं अलग से एक दूसरे पतीले में रख देता हूँ। अब फाइनली जब आपने ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया होगा तो अब ये वाला जो पूरा पुराना बैटर हमने बनाया था वो पूरा का पूरा इसमें डाल देना है। तो मैंने सारा बैटर डाल लिया है इसमें एंड इसको थोड़ा सा नीचे, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन नीचे ठोक लेना है ऐसे कैसे करके ताकि इसके अंदर से ना एयर बबल का ख़त्म हो जाए। अब आता है लाइक सेकेंड फाइनल स्टेप। सो इसमें मैं थोड़ा सा मैदा ले लिया है, देन काजू किशमिश ले लिया। आपके पास कोई और ड्राई फ्रूट्स हो आप वो भी डाल सकते हो। तो ऐसे मैदे में ऐसा कोटिंग सा कर लेना है। तो इस पे हमें इसके ऊपर डाल देना है। आप अपनी मर्जी से कैसे भी डाल सकते हो। अब फाइनली काम है बेक करने का। मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है तो इसको कैसे करना है, इसको इस तरीके से करना है कि तो अब करना ये है कि इसको ओपन करके इसके अंदर ये प्लेट रखना है। ये प्लेट रखना है, अभी इसको ढक दो। अब ये धीमी आंच पे थोड़ा 5 मिनट तक रखना है ताकि ये अंदर का पूरा सिस्टम जो है वो गर्म हो जाए। गर्म होने के बाद जो हमने यहाँ पे बैटर प्रिपेयर किया था ये बैटर इस अंदर वाले प्लेट के ऊपर रखना है। इसको बंद करना है, इसको बंद अभी करते हैं। सो मैंने ये एक टिश्यू पेपर का बनाया है, इसको डाल देते हैं, सस्ता जुगाड़। सो हमें 5 मिनट तक इसको गर्म करना है। ये गर्म हो जाने के बाद इसको रखना है साइड में। ये वाला जो हमने बैटर प्रिपेयर किया था वो रखना है इसके अंदर। वैसे मैं एक चीज़ बता दूँ, ये चीज़ बहुत गर्म है तो ध्यान से करना, हाथ वाथ मत जला देना, फिर
उसके बाद ये मैंने इसको ढक दिया, ये मेरा टिश्यू पेपर। मेरे को लगा तो बहुत इजी होगा बट उतना इजी नहीं है। अभी इसको हमने यहाँ पे रख दिया है ऑन द स्टोव एंड 30 मिनट्स बाद मैं एक बार दोबारा के चेक करूँगा कि ये पक गया है कि नहीं। सो अभी चेक कर लेना। सो अभी अराउंड 3 बज रहे हैं, सो 3:30 बजे के आसपास मैं आऊँगा एंड देन आई चेक इट। देखते हैं फिर फाइनली रिजल्ट क्या निकलता है। ओह नो, अरे 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 यार तुम्हें म्यूजिक। तो हमारा भांडा फूट चुका है, अब उसको पता है कि हम केक बना रहे हैं। तो फाइनली गाइस मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि सक्सेस मिला है। सो ये रहा केक, इसको चेक आप इस तरीके से कर सकते हो कि ये एक नाइफ लेना, इसको अंदर तक लेके जाना एंड देन बाहर निकालना। सो अब इसको हम अभी बाहर नहीं निकालेंगे, इसको हम अभी रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। गैस ऑफ कर देना एंड और कुछ नहीं, बस इतना ही है।